गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 4 तारीख दिन सोमवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर टमाटर मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, और इस समय देख सकते हैं मंडी में क्या कुछ चहल पहल है। दोस्तों बाकी जितना जो है लोग दिखते हैं इसमें जो है पल्लेदार, मुनीम, आरती सब होता है जी, इसी में मिक्स होता है। देखो जी इस समय कुछ इस तरह का रस देखने को मिल रहा है। और अभी मौजूद हूँ दोस्तों रौनक भाई की आड़त में। इनके पास जो है संभाजी नगर वाला टमाटर आया जी, और ये देसी टमाटर है। देखते हैं इस वाले गाड़ी में कहाँ वाला माल है। दो गाड़ी लगाई इनके पास। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सब भाइयों को राम राम। सर जी आज जो है मार्केट में टोटल कितना गाड़ी है जी, और क्या कुछ रेट चला जी, और अपने पास कौन से एरिया का माल है जी? टोटल होंगी 20 से 22-23 गाड़ियां। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आज जो ये अपने पास ये टमाटर है जी, ये कौन से एरिया का है जी? ये वही संभाजी नगर। संभाजी नगर का है जी, संभाजी नगर। अच्छा कौन सा बीज है सर जी ये? हाँ जी कौन सा बीज है जी? ये आपका है साऊ। अच्छा जी, ये साऊ माल है जी। वहाँ पर अभी कम है जी, 440 ज्यादा। अच्छा जी, तो ये साऊ माल है जी। टमाटर है, टमाटर अच्छा है जी, थोड़ा लाल है, थोड़ी नरम की शिकायत है। अच्छा जी, बाकी टमाटर बहुत सुधार हो गया है जी। ये चित्री का ये दो निशान हट जाएगा, बेंगलोर को टक्कर देगा टमाटर। टमाटर बहुत अच्छा है। अच्छा, शिकायत है ना बेंगलोर को टक्कर देने वाला टमाटर। अच्छा जी, इसमें थोड़ा कलर और जी बेंगलोर में चमक आती है ना जी जी, इसमें बेंगलोर से चमक थोड़ी कम होती है जी, और इसके लाल होते नरम होते हैं ज्यादा जी। बेंगलोर के लॉट ऐसे होते कुछ टाइट पत्थर मार। अच्छा जी, ये थोड़ा लूज हो जाता है, पर ये माल बहुत अच्छा है। ये माल अब धीरे धीरे बन गया है, और दो चार चक्कर में ना बहुत अच्छा औरंगाबादी औरंगाबाद। अच्छा जी, तो सर जी बात करें रेटों का, तो आज क्या कुछ रेट चला दिए इनका? आज का रेट चला देखो, मेरे को आज की मार्केट तुम्हारी चली है इसके माल की, साऊ माल की 400 रुपए से लेकर 500 रुपए। अच्छा जी, हाँ मतलब ये लगा लो कुछ लॉट है जिसमें थोड़ी शिकायत निकली है एक दो लॉट में। अच्छा जी, 400-450 बिके जी, बहुत बढ़िया लॉट निकले इस गाड़ी में, जो कि एक ही था उसका रेट थी, वो बिकी आपकी 450 से 500। अच्छा जी, हाँ जी। और जो 440 बीज है जी? 440 भी यही बिक रहा है, 410 बीज। अच्छा जी, 380 से 420। अच्छा जी, वो टमाटर थोड़ा शिकायत वाला भी निकलता है, 420 से ऊपर। अच्छा जी, मतलब 420 के आसपास है, 420 उसमें टॉप बिक रहा होगा जी, उसमें जो लाट थोड़े अच्छे निकल जाते हैं, बाकी डाउन से डाउन 380। अच्छा जी, उस लाट को कल से मार्केट डाउन है ना थोड़ा। अच्छा जी, तो सर जी बात करें जो हाइब्रिड टमाटर है जी, तो उसका क्या कुछ पोजीशन देखने को मिला? हाइब्रिड का पोजीशन मार्केट अभी देखा नहीं यार मैंने अभी। अच्छा, तो अपने पास आज आई। बाकी आज गाड़ी कितनी आई होगी हाइब्रिड की? हाइब्रिड की होगी 4 गाड़ी के आसपास होगी। और ये संभाजी नगर वाला, इसकी गाड़ी मंडी में केवल 3 ही, 2 मेरे पास है, 1 और गाड़ी। अच्छा, अपने पास 2 है, टोटल मंडी में 3 ही गाड़ी। ओके, अच्छा, कल के मुकाबले कुछ बाजार टूटा है इसमें? कल के मुकाबले बाजार हल्का सा ढीला है, ज्यादा ढीला नहीं है, थोड़ा सा। अच्छा जी, 10-20-30 का फर्क होगा। तो सर जी आज बिक्री कैसा रहा, बिक्री कैसा देखने को मिला जी? अराइवल भी कल से गाड़ी 5 ज्यादा है। अच्छा, 50 रुपए टूटेगा, ज्यादा नहीं है जी। और अपना मंडी के अंदर ग्राहकी पूरी है जी। बाकी देखो जो 3 दिन की छुट्टी आ रही है, वो 3 दिन क्या होता है, वैसे तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई सब्जी बिकेगी जी, ना बाहर के ग्राहकों को परेशान करेंगे ना यहाँ पर जी, लेकिन अपना जो सेंट्रल दिल्ली है जी, वहाँ पर पोजीशन टाइट रहेगी। अच्छा जी, और जैसा कि सर ये लोकेलिटी में भी जो है रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात हो रहा है, मतलब सर्वे चल रहा है उनका, तो उससे कुछ बाजार में भी फर्क पड़ेगा जी? किस चीज से समझा रही? जैसे रैपिड एक्शन फोर्स भी जो है अपना रोडों पे सर्वे कर रही है, तो उससे बाजारों में भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखो ये तो बातें हो रही है। अच्छा जी, कहते ना एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर। अच्छा, वही वो वही है, जब होगा ना तब दिखेगा, अभी तो बातें हो रही है। अच्छा जी, तो अभी जो यही हो रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है जी जी, पेट्रोल, मेडिकल, राशन और आपका सब्जी, दूध दही है, सब चलता रहेगा। वो राशन में आ गई आपका एग्रीकल्चर, ये जो सब्जियां हैं जी जी, ये सब इनमें कोई रुकावट नहीं है जी। बस ये है जो थोड़ा जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा होगा सेंट्रल दिल्ली में जी जी, वहाँ वैसी ये सारी रेडी रिक्शा कम जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पर थोड़ा टाइट पोजीशन होगी जी, बाकी पूरी दिल्ली कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, हाँ जी सर जी, जब होगा जी जी तब दिखेगा, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा जी एक्चुअल पोजीशन क्या है।
गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता जी, और ऐसे ही कस्टमर्स का भी कुछ नहीं पता, कौन सा कोई इंसान क्या बदतमीजी करे उनको कुछ करना पड़ जाए। सही बात है, और क्या पता पॉपुलेशन उस टाइम इतना वहाँ जाम जुम हो जाए तो कुछ करना, बिल्कुल जी। अदरवाइज जो लग रहा है तो कुछ होगा नहीं, सब्जी वाले को बेच, लेकिन इस चीज का सर सपोर्ट सबको करना चाहिए क्योंकि ये हमारी देश की शान की बात है जी, हमारी देश ठीक है फ्यूचर के, ये लगा लो ये फ्यूचर पे काम चल रहा है जी जी। ये तीन दिन का अगर ना सोचे ना तो आने वाला भविष्य में बहुत सुधार मिलेगा जी जी। आज ये इंडिया में पहली बार हो रहा है जी जी, आज से पहले कभी नहीं हुआ, बिल्कुल जी। ये इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चांद गया था ना जी, वैसे ये भी प्राउड मूवमेंट है, बिल्कुल। ये सारे सारी कंट्रियां मिल रही है, काम की बात होगी सारे, फाइनेंशियली बिजनेस सब चीज होगी जी। सर जब अपने देश की बात आते तो सबको एकजुट होना चाहिए, चाहे छोटे वर्ग के लोगों या बड़े वर्ग के लोगों, बिल्कुल सबको होना चाहिए जी जी। बिना सपोर्ट के सर कुछ नहीं होगा जी, देश स्ट्रांग रहेगा, सारी मुट्ठी बराबर रहेगी तभी पावर है, बिल्कुल। अकेला ना मोदी कुछ कर सकता है ना पब्लिक कुछ कर सकती है सर, चाहे सरकार किसी का भी हो, किसी का ना जी, सपोर्ट जब देश की सपोर्ट की बात आता है तो सरकार को हटा करके जब पूरे जनता को सपोर्ट करना चाहिए, वोट दे रहे हो तो सपोर्ट के लिए भी खड़े रहो, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ नाम का वोट नहीं होता, ग्राहक को भी काम करना होता, बिल्कुल। एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। ये अपना शॉप का नाम है संजय एंड संजय जी, फर्म का शॉप नंबर है 69, मेरा नाम रौनक भाई, फोन नंबर 9999877977। धन्यवाद जी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ बीजीटी आरत पे, बाकी इनके पास जो है देसी टमाटर है और हाइब्रिड टमाटर दोनों ही देखने को मिल रहा है जी, बाकी कुछ इस तरह का क्वालिटी है, देखते हैं कौन से एरिया का माल है इनके पास। और वजन की बात करें तो 25 केजी वजन होता है जी इनमें। हाँ जी सर जी नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार सर जी, एक बार आज का रेट बताओ जी और कौन से एरिया का माल है। देसी टमाटर कोलार के हैं, थोड़े गीले सूखे आ रहे हैं बारिश की वजह से। अच्छा जी, हल्का फुल्का बारिश हुआ बाद, चलो जी बारिश तो हुआ जी, लेकिन 550 बिक रहे। अच्छा, किसान भाई तो बहुत परेशान हो रहे थे जी, महाराष्ट्र के भी और इधर के भी जी, थोड़े माल हल्के फुल्के गीले सूखे आ रहे हैं आज जी, तो 500 से 550 जी। इसका सूखा माल है वो 600 रुपए तक, जो सूखा माल है वो 600 रुपए तक, 19-20 माल है 500 रुपए बिक रहे। अच्छा जी, तो ये देसी का पोजीशन है जी, देसी हाइब्रिड भी यही बिक रहा है। अच्छा, 550-60 रुपए बढ़िया माल, 500 से 550-60 रुपए। हाँ जी, देसी ये जो हाइब्रिड टमाटर है ये सर कौन से एरिया का है जी? ये महाराष्ट्र और चिकमंगलूर बैंगलोर दोनों का आ रहा है। अच्छा जी, दोनों का रेट सेम है जी? हाँ जी, 500 से 560-570 रुपए। अच्छा, और जो सर जी महाराष्ट्र का जो सोलापुर एरिया है जी या नारायण गाँव, 570-80 बिक रहा है, बहुत सुपर क्वालिटी। अच्छा जी, जो बहुत सुपर और फाइन क्वालिटी है जी। हाँ जी। अच्छा, तो सर जी आने वाले दिनों में क्या कुछ लगता है जी इसमें क्वालिटी में और क्या सुधार? अराइवल डेली बढ़ता जा रहा है, पीछे थोड़ी बारिश हुई है जी जी, माल में जान आ जाएगी। और क्वालिटी में क्या कुछ सुधार देखने को मिलेगा? क्वालिटी में बहुत सुधार हो जाएगा जी, बारिश आई है ना, बारिश से थोड़ा सुधार हो जाएगा। अच्छा जी, और सर जी बात करें हिमाचल वाले टमाटर का, वो कब तक देखने को मिलेगा मार्केट में? हिमाचल वाला नवम्बर लास्ट में चलेगा, नवम्बर लास्ट में। अच्छा, तो उधर का फसल कैसा देखने को मिला सर, प्लांटेशन कैसा हुआ है? प्लांटेशन जो भी अब अक्टूबर में जो सब नए माल आ जाएंगे जी, और माल बहुत बढ़िया बनेंगे जी। तो सर उधर बताया जा रहा है कि जो मतलब बरसात से कुछ प्लांटेशन खराब हुआ है, तो ये कैसा मतलब ठीक न्यूज है या फिर गड़बड़ है? 10 दिन का बारिश बताया महाराष्ट्र में, उससे बहुत सुधार हो जाएगा। नहीं मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ सर, सुनने में आया उधर जो बरसात हुआ जी उससे काफी प्लांटेशन खराब हुआ है। हाँ, जो जहाँ जिस एरिया में बारिश उत्तराखंड में ज्यादा है उनमें तो प्लांटेशन खराब हो गए। अच्छा जी, जिस एरिया में बारिश नहीं है वहाँ चलेगा माल। अच्छा, तो बाकी एक्चुअल पोजीशन कब तक पता चलेगा सर उधर का? इसका पता तो अब 1 महीने बाद ही पता चल पाएगा क्या कंडीशन। अच्छा, मतलब अक्टूबर में। हाँ जी जी। तो सर जी आज जो है अपना बेंगलोर वाले टमाटर में ग्राहक कैसा देखने को मिला जी? बेंगलोर वाले सारे माल अच्छे माल है सर जी, आज ग्राहक कैसा रहा, सेल पॉइंट कैसा रहा? ग्राहक है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा मंडी में जी, 26-27 गाड़ी है। अच्छा जी, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। नंबर 14-82-875-63। धन्यवाद जी।